DMEC Secretary, Professor Ujjal Kumar Chaudhary, and a memento will be mailed to Professor Banawat's address. सर की हिंदी इतनी अच्छी है और मैं हालांकि मेरी मातृभाषा हिंदी है लेकिन मैं पला बड़ा बंगाल में हूँ और मेरी हिंदी सुधारने में सर के सहयोग बहुत ज्यादा रहा है और मैं काफी गर्वित महसूस करता हूँ जब भी सर के समक्ष बातें करने का मुझे अवसर मिलता है। जैसा मैंने बताया क्योंकि हमारा ये एक प्रोग्राम एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए है इसलिए मैं आपकी अनुमति लेकर इसे अंग्रेजी में कह रहा था लेकिन भानावत जी को जब आमंत्रण करना है और भानावत जी को सम्मान देने की बात है तो सबसे बड़ी बात जो मैंने कही कि इसमें हम खूब सम्मानित होते हैं और व्यक्तिगत तौर पर इनका बहुत बहुत हम लोगों पर एक जिसे कहें इन्फ्लुएंस रहा है। तो इस बात को हम और ज्यादा दीर्घायित नहीं करेंगे। I think I'll hand it over to Smithy ji, and I think that my work is over. Now we are waiting to listen to Professor Banawat ji. Yes, yes. Indeed, sir. Not only, like you, even I have got this opportunity to learn this language since my mother tongue has been Odia. But जितनी भी मुझे हिंदी मैंने जितनी भी सीखा है और जो भी मैं बोल पाती हूँ आज बहुत उसमें अशुद्धियां हैं लेकिन मुझे संजीव भानावत सर ने ही उनके उनके साथ काम करके उनसे सीख के ही मैं हिंदी बोल पाती हूँ। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर परम आदरणीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी को कि वो हमारे बीच में आए और कुछ दो शब्द तो नहीं कहूंगी सर आप काइंडली एड्रेस अस सर और इसके साथ ही सर आप अपने हमारे इस किताब के बारे में भी आप बताएं जो हम हमारे मुख्य अतिथि श्री ओम गांधी जी के प्रेजेंस में उसको रिलीज करेंगे सर। धन्यवाद स्मृति। डॉक्टर पांडे अपने ही परिवार में बैठकर के सम्मानित होने का अपना एक विशेष सुख है। जीएमईसी की जो परिकल्पना है तब से भाई उज्जवल जी के साथ के जी सुरेश जी के साथ उमा शंकर पांडे अमरीश सक्सेना जी सभी के साथ मेरा जुड़ाव रहा और अलग अलग अपनी जो मीटिंग्स के दौर चले ऑनलाइन दौर में कोरोना काल में उसका एक उपलब्धि थी कि इतना बड़ा इवेंट हम आयोजित कर पाए जिसमें देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के मीडिया के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक मंच पर आकर के अपनी बात कह रहे हैं। तो इस विचार श्रृंखला की निरंतरता को जिस तरह से बनाए रखा है मेरे ख्याल दुनिया में या अपने आप में एकमात्र उदाहरण होगा। 75 दिन भारत की आजादी के जो अमृत महोत्सव 75 वर्ष है उसमें जो ये आयोजन किया जा रहा है उसमें सम्मानित होना अपने आप में मेरे लिए भी एक गौरव और गर्व की बात है और मैं इस सभी के लिए सभी मित्रों को अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ये सही बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अपने सेवा काल में 5 रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से जो एक मीडिया शिक्षकों की टीम बनी आज मुझे इस बात का सुख है कि इस टीम ने सभी जगह फैल करके जिस तरह से मीडिया के क्षेत्र में कार्यशालाओं का सेमिनार्स का एकेडमिक जो एक्टिविटीज हैं उनको जिस तरह से संचालित किया है ये एक शिक्षक के रूप में मुझे एक सुखद अनुभूति कराते हैं। भाई जयराम जी शायद 90s के दौर में जब PRSI के आयोजन यहाँ हुआ करते थे तब उनके साथ जुड़े फिर PRCI का 2007 में नेशनल कन्वेंशन करने का मुझे सौभाग्य मिला और चंडीगढ़ में जब आपका नेशनल कन्वेंशन था PRCI का उसमें उन्होंने कम्युनिकेशन टुडे को भी सम्मानित किया। एक लगभग 3 दशक की दोस्ती उनके साथ रही और आज इस मंच पर उनके साथ श्रद्धेय थानवी जी के साथ जिनको हम विद्यार्थी काल से ही किसी न किसी रूप में पढ़ते रहे चाहे वो राजस्थान पत्रिका के माध्यम जनसत्ता के माध्यम से और उन्होंने जिस तरह से आज उन संचार माध्यमों की अंदरूनी स्थितियों का एक पत्रकार के रूप में जिस तरह से विवेचन किया है वो अपने आप में एक आई ओपनिंग जिसे अपन कहते हैं कि किस तरह से मीडिया के जो मुख्य लक्ष्य थे उद्देश्य थे उनसे भटक करके आज हम कहां जा रहे हैं। विस्तार से उसकी बात थोड़ी देर से करूंगा लेकिन जैसा मुझे कहा गया है कि जिस पुस्तक को आज लोकार्पित करना है भारत में मीडिया शिक्षा की अपनी एक सदी की यात्रा हो गई है। जब भी मीडिया शिक्षा पर बात करने का अवसर मिलता है तो प्राय मैं पुलित्ज़र को याद करता हूँ क्योंकि मुझे भी मौका मिला कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो पुलित्ज़र इंस्टीट्यूट बना एक ऐसा पत्रकार जिसको हम कहीं येलो जर्नलिज्म की शुरुआत का क्रेडिट डिस्क्रेडिट भी देते हैं उसने सबसे पहले इस बात को महसूस किया कि मीडिया की शिक्षा होना भी आवश्यक है। और लगभग एक सदी से अधिक समय पहले
उन्होंने ये महसूस किया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होनी चाहिए, और उन्होंने तत्कालीन जो उनके प्रेसिडेंट थे यूनिवर्सिटी के, उनको जब ये प्रस्ताव रखा, दुर्भाग्य से उनके जीवन काल में शायद $2 मिलियन का फंड उन्होंने दिया, जिसके आधार पर पुलित्ज़र पुरस्कार का संचालन किया जाता है। और जिस समय मैं वहां गया था, ये भी अपने लिए गर्व की बात है कि उस समय डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो हिंदुस्तानी मूल के व्यक्ति थे, मास्को में उनका जन्म था, तो वो उस समय डिपार्टमेंट को चला रहे थे। तो एक तरह से उस 1910-11 के आसपास की बात है, तो लगभग उसी समय में हिंदुस्तान में भी, हालांकि पत्रकारिता की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन एनी बेसेंट ने इस बात को महसूस किया कि कोर्स होना चाहिए, और अदियार में नेशनल यूनिवर्सिटी के तहत जो ये कोर्स शुरू किया गया। तो जब पिछले वर्ष ये एक सदी की जब बात की जाने लगी, तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा प्रयास करें कि देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से मीडिया संस्थान पनपने लगे हैं, उनके पूछे उनकी किस तरह की एक तैयारी रही, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कोर्सेज चला रही है, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, तो पूरा का पूरा एक सदी का इतिहास मैं कोशिश करता हूं कि एक जगह लिपिबद्ध किया जा सके। यो मीडिया शिक्षा पर कई विद्यार्थियों ने अपने अपने राज्यों में शोध कार्य भी किया है, PhD की डिग्री भी उनको मिली है, बहुतों के साथ मेरा संवाद अनेक स्तरों पर अनेक मंचों पर होता रहा है। तो वो जो कल्पना को साकार करने में लगभग 6-8 महीने का समय लगा पूरे देश में, ये मुझे एक सुखद अनुभूति होती है कि देश के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, अपने मित्रों से, सहयोगियों से, या उनके माध्यम से जो क्षेत्र में लिख सकते थे, आप कल्पना कीजिए 48 लोगों की टीम एक तरह से तैयार की, 48 मित्रों की, जिसमें मीडिया शिक्षक भी थे, मीडिया रिसर्चर भी थे, उनके साथ मिलकर के कई बार टेलीफोन करके, मेल करके, वो सारी सामग्री मैंने मंगाई, और लगभग 216 पृष्ठों में ये पुस्तक, इसके पहले कम्युनिकेशन टुडे, जिसकी 25 साल की हमारी यात्रा हो चुकी है, उसका एक विशेषांक भी हमने प्रकाशित किया था, उससे पुस्तकाकार रूप दिया गया, ताकि लाइब्रेरीज के माध्यम से ये जो कार्य है इसको एक स्थायी रूप मिल सके, और आने वाले समय में, क्योंकि ये यात्रा अनवरत जारी रहती है, अकादमिक यात्राएं कभी रुकती नहीं है, शोध अनुसंधान निरंतर होता रहता है। लेकिन उस पुस्तक में स्मृति के साथ मिलकर मैंने दो काम और किए, और वो था कि हमने एक कोशिश की, जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमारे रेडियो टेलीविजन की जो किताबें हैं उसके पीछे लैंडमार्क दिया हुआ होता है, पहला स्टेशन कब खुला, कौन सी कमेटी बनी, क्या हुआ, तो जो आलेख हमारे पास आए थे उनके आधार पर हमने ये कोशिश की कि मीडिया एजुकेशन के भी लैंडमार्क इस तरह से स्थापित किए जाए कि कौन से सन में किन किन राज्यों में महत्वपूर्ण घटनाएं, कहाँ पहला न्यूज़लेटर निकला, कहाँ पहली बार लैंग्वेज जर्नलिज्म का कोर्स शुरू हुआ, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1938 में पीपी सिंह ने किस तरह से प्रयास किए, कौन सा उनको लेटर उस समय यूनिवर्सिटी से मिला। तो इस तरह के कुछ कोशिश की कि दुर्लभ और रोचक तथ्यों को हम संकलित कर सके। दूसरा काम ये किया कि जो आर्टिकल्स मेरे पास आए उन्हीं के साथ साथ वेबसाइट भी हमने तलाशी, और इन वेबसाइट के माध्यम से जो मैं कुछ कर पाए हम दोनों मिलकर के, वो लगभग 411 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें जर्नलिज्म मास कॉम के कोर्स चल रहे हैं, और उसमें शायद 196 तो स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और 215 स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस तरह से कोर्स चला रही हैं। हो सकता है संख्या बहुत ज्यादा भी हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज नहीं भी हों, क्योंकि वेबसाइट की अधिकृत जानकारी कितनी सही है क्या है उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं उलझा, जहां से सामग्री मिली हमने उसमें संकलित करने की कोशिश की। तो इस एक सदी की यात्रा पर हमारा एक विनम्र योगदान ये हो सकता है कि देश में मीडिया शिक्षा की उस पूरी यात्रा को रेखांकित किया जा सके। और आज संयोग से एक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में थानवी जी राजस्थान में मीडिया शिक्षा को नई शेप दे रहे हैं, नए प्रयास कर रहे हैं, नए कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। इसके पहले माखनलाल चतुर्वेदी जो अपनी स्पॉन्सर्ड एजेंसीज भी है इसके साथ, वो भी इसमें जुड़ी हुई है, ICMR जैसे संगठन अपने साथ जुड़े हुए हैं जो शोध अनुसंधान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इस पुस्तक को हम लोकार्पित करने के लिए इसका पोस्टर आपके सामने आ गया है, तो मैं अनुरोध करूंगा थानवी जी से भी कि एक बार इस पुस्तक को हमारे सभी जो दर्शक देश दुनिया से यहाँ जुड़े हुए हैं उनको हम दिखाएं, क्योंकि आवासीय मंच की अपनी यही एक सीमा हो सकती है। मुझे लगता है कि यदि ये पोस्टर की जगह हम हमारे जो एक्सपर्ट्स पैनल हैं उनको यदि दिखा दें तो ये पुस्तक जो है उसको हम दिखा पाएंगे और एक इसका स्नैपशॉट मिल जाएगा, तो इसको फिर हम सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो पुस्तक है 100 ईयर्स ऑफ मीडिया एजुकेशन, इसका हम प्रकाशन कर पाए। और ये भी एक सुकून है कि इस ग्लोबल फोरम पर ये पुस्तक आज यहाँ रिलीज हो रही है। थानवी जी ने समय निकाला,
क्योंकि पुस्तक छप के दो दिन पहले आई थी तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं सारे एक्सपर्ट्स को उसकी प्रतियां भेज पाता। कोशिश करूंगा कि बाद में बाई पोस्ट उन तक पहुंच पाए, उस पर उनकी जो प्रतिक्रियाएं मिलेंगी उनके अनुसार पुस्तक के लिए आगामी संस्करण निकलते हैं तो उसमें संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के सभी आत्मीय अतिथियों का। विप्लव जी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी एक दो बार मिलने का मुझे मौका मिला। तो कुल मिलाकर के अपने परिवार के बीच में ये सारा आयोजन हो रहा है। अब चूंकि मुझे बात कहने के लिए कहा गया है तो थोड़ा सा इस विषय पर भी बात करूंगा, हालांकि समय काफी हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो कुछ मेरा अनुभव मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में रहा पिछले 3.5-4 दशक में, तो कुछ टिप्पणी अपनी करना चाहूंगा। विप्लव जी ने मीडिया कोर्सेज को रिस्ट्रक्चरिंग की बात की, थानवी जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ उस मीडिया की जो भूमिका है उस पर टिप्पणियां की कि किस तरह से सूचना शिक्षा के उस प्रारंभिक उद्देश्यों से लेकर के मीडिया के बहुत बड़े एक आयाम पर। कि मुझे कभी कभी लगता है कि हम जब साहित्य पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था साहित्य समाज का दर्पण है, दुर्भाग्य से वो साहित्य अब विलुप्त होता चला गया, अब हम कहने लगे कि मीडिया समाज का दर्पण है। तो समाज का जो आईना मीडिया दिखाता रहा जिससे हम अपेक्षाएं करते हैं, अब उस आईने के साथ भी वो सच और झूठ के प्रश्न जुड़ने लग गए हैं। ये सही है कि मीडिया जिस नैरेटिव की हम बात करते हैं, जिस माहौल की हम बात करते हैं, उसको तैयार करने में सक्षम है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी वो 150 साल की गुलामी का दौर, जब हमारे पास कोई आज के जैसे तकनीक के उन्नत साधन नहीं थे, साक्षरता सीमित थी। उस दौर में हमारे पत्रकार, हमारे लेखक, मैं थानवी जी से बिल्कुल सहमत हूं कि पत्रकारिता का काम केवल सूचना देना नहीं है, उसके तो बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। तो शायद आजादी के पहले की पत्रिकाओं में ये खबरें नहीं छपती थी कि गांधी जी आज वहां गए, उन्होंने ये कहा वो कहा। नेताओं के इन अनर्गल बयानों से पत्रकारिता आक्रांत नहीं थी। उस समय लेखकों ने, पत्रकारों ने अक्षरों की साधना की और एक ऐसी वैचारिक चेतना जागृत की जिसने 150-200 साल पुरानी उस विदेशी हुकूमत, जिसके लिए कहा जाता था कि उनके शासन काल में सूर्यास्त नहीं होता है, उसको बाहर फेंकने के लिए एक माहौल तैयार कर दिया। तो जिन पत्र पत्रिकाओं में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है, तो आज ऐसे वो क्या कारण है कि हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों पाठकों की संख्या है, हमारे पास TRP का एक अपार पूरा नेटवर्क है, हमारे पास मार्च 1920 तक के जो डेटा है ट्राई के, उसके अनुसार 740 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट जैसे साधन है जिसके माध्यम से वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। आज रोबोट संपादकीय लिख रहे हैं, तो तकनीक ने हमें 24 घंटे के हम उपभोक्ता हो गए इन संचार माध्यमों के। मीडिया जो कुछ लिखता है, जो कुछ प्रकाशित प्रसारित करता है, कहीं ना कहीं एक ओपिनियन फ्रेमिंग का काम अवश्य करता है, और जब यही ओपिनियन एक सामूहिक रूप लेती है तो पब्लिक ओपिनियन के रूप में बल जाती है। और इसी के साथ जो चिंता प्रकट की थानवी जी ने, जिस तरह से ह्रास हो रहा है इन लोकतांत्रिक समाज में, जिस तरह से जो हमारे और स्तंभ हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, इनमें जिस तरह से मूल्यों का क्षरण हुआ है, शायद मीडिया भी उससे बचा हुआ नहीं है। इसलिए जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उस संवैधानिक मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तब भी हिंदुस्तान की स्थिति, भारत की स्थिति कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी सर। तो जो बात मैं कर रहा था कि तकनीक की इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है, उसके बावजूद हम लोग समाज में अपेक्षित प्रभाव पैदा क्यों नहीं कर पा रहे। इसलिए मीडिया में जैसा अभी कहा थानवी जी ने कि ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें मूलभूत जानकारियां नहीं है, तो आवश्यकता है इन संचार माध्यमों के साथ ऐसे रचनाधर्मी लोग जुड़ें जो अपनी भाषा और अपने वो जिस तरह की उनकी रिपोर्टिंग करनी है, जो बात करनी है, उससे कहीं वो प्रभाव पैदा कर सकें और जनमत को एक दिशा दे सकें। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। सोशल मीडिया बिल्कुल एक अराजक माध्यम है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है भले ही सोशल मीडिया मुख्य धारा का मीडिया नहीं है, लेकिन आज जब मैं देश भर के विभिन्न विभागों के, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से ऑनलाइन इंटरेक्शन भी कर रहा हूं, तो ये जान करके कई बार एक शिक्षक के रूप में मुझे पीड़ा होती है कि कोई विद्यार्थी अखबार नहीं पढ़ता है, सभी लोग इन डिजिटल एडिशंस पर केंद्रित हो गए हैं, केवल सूचनाओं तक सीमित रह गए हैं। वो हमने वो दौर देखा है जब हम अपनी सेमिनार्स में संपादकों को कोट करते थे कि आज संपादकीय में ये लिखा है, आज समाचार पत्रों के संपादकीय की क्या स्थिति हो गई है, ऊपर लिखना पड़ता है कि ये हमारा संपादकीय है। तो धीरे धीरे इस तरह की जो सामग्री है, मूल्यपरक सामग्री है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे दौर में हमें ये कोशिश करनी होगी कि मीडिया के अंदर
जो रचना धर्मी कल्पनाशील इस तरह के जो मीडिया कर्मियों की एंट्री होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मीडिया संस्थान है उनको भी हमारी नई तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया शिक्षा की व्यवस्था करके समाज की जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप मीडिया कर्मियों को तैयार करना होगा। किस तरह से, क्योंकि सोशल मीडिया ने, तकनीक ने हमें इतना काफी प्रभावित कर दिया है, हर क्षण हम सूचनाओं से अपडेट रहते हैं, रिपोर्टिंग के तौर तरीके बदल गए हैं, क्योंकि उस घटना की पूरी जानकारी है, पूरी चीज, पूरे मैच को जब मैंने टेलीविजन के पर्दे पर लाइव देख लिया तो मैं क्या पढ़ूं। आवश्यकता है उस खबर में इतना पैनापन हो कि मैं उस रोमांच को जी सकूं। ये पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस आप पूरी दुनिया में प्रसारित कर रहे हैं, अपनी भाषा प्रतीकों को जानता है, भौगोलिक दूरियों को पहुंचते हुए हम पूरी दुनिया में पहुंच गए। ऐसे दौर में मुझे लगता है कि मीडिया पर बहुत अधिक जिम्मेदारी आ गई है। तो जिस जन अपेक्षाओं की हम बात करते हैं, चाहे वो सरकार और समाज के बीच में, या मैं ये कहूं कि उस लोकतांत्रिक समाज की बात करते हैं, भले ही सोशल मीडिया मुख्य धारा का मीडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी के हाथ में आज ऐसी ताकत आ गई है। तो एक इंटरव्यू हम तुरंत सवालों की झड़ी लगा देते हैं कि क्या ये सवाल पूछा था किसी जर्नलिस्ट ने उनसे या एंकर ने उससे। तो तकनीक ने आम आदमी को आज इतना एम्पावर किया है कि वो अपनी बात को दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है कह सकने के लिए सक्षम है, सवाल उठा सकने के लिए सक्षम है। इसलिए आने वाले दौर में मुझे लगता है पूरे मीडिया की उस व्यू रचना के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जब तकनीक, जब रोबोट संपादकीय लिखने लगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले दौर में फेसबुक ये प्रयोग कर रहा है कि हम उस स्क्रीन में घुस जाएंगे, एक आभासी मंच पर हम चले जाएंगे। ऐसे दौर में हमें उस नई चुनौतियों से निपटने के लिए, नई दौर से निपटने के लिए शायद अभी से तैयारी करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अपने सभी मित्रों के प्रति अपना कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, और भाई विप्लव जी जिनसे कई वर्षों बाद दर्शन हुए, जयराम जी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, श्रद्धे थानवी जी और डॉक्टर स्मिति, जिन्होंने इस आभासी मंच के माध्यम से एक अवसर दिया अपनी बात को शेयर करने का, मुझे सम्मान दिया, और इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए, और विशेषकर उज्जवल चौधरी जी और के जी सुरेश जी, जो उन्होंने पूरे देश दुनिया के मीडिया शिक्षकों को, मीडिया कर्मियों को ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल के माध्यम से एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया है जहाँ से विचारों की ये श्रृंखला, विचारों का ये आलोक नित्य नए प्रयोगों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ता रहे। आपके इन अभियानों की, इन आयोजनों की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं, और मेरी ओर से यथाशक्ति सहयोग